नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ातरीन खबर पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों और लागू की गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान पत्रकारों द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पूछे गए सवालों का गोलमोल जवाब दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी एवं क्षेत्रीय महामंत्री कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र रामकिशोर साहू तथा अतिथियों के रूप में जिला अध्यक्ष भाजपा राजकुमार जैन, सदर विधायक ललितपुर रामरतन कुशवाहा, अध्यक्ष जिला पंचायत ललितपुर कैलाश नारायण निरंजन, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद ललितपुर श्रीमती रजनी साहू एवं जिला महामंत्री भाजपा बंसीधर श्रीवास, बब्बू राजा बुंदेला, महेश श्रीवास्तव, बलराम सिंह राजपूत मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों में जिला अधिकारी ललितपुर ए दिनेश कुमार तथा पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हरगोविंद कुशवाहा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से भयमुक्त है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, बंडई बांध परियोजना, पंचायती राज परियोजना, ग्रामीण पेयजल योजनाएँ, नगरीय पेयजल योजनाएँ, खाद्यान्न वितरण योजना, समाज एवं महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास योजना, आवास योजनाएं, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, रोजगार सृजन, आपदा राहत, शिक्षा और कृषि की योजनाओं के संबंध में क्रियान्वयन तथा निर्माण को लेकर विस्तार से जानकारी दी। पत्रकार वार्ता के दौरान जब उनसे पत्रकारों द्वारा देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इनका गोलमोल जवाब दिया। आइए देखते हैं क्या कहा हरगोविंद कुशवाहा ने। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। हमने आपको एक प्रेस नोट किया है, अलग से उसको बांटा है। आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर आपने जो बांटा है गरीबों को, 2 पीस बना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 9.5 के ऊपर पहुंच गया गैस सिलेंडर, आदमी भरवा नहीं पा रहे हैं। जो पेट्रोल और डीजल और गैस वगैरह है वो इतनी देश में तो पैदा होती नहीं है, तो विदेश में से आती है, तो उसके ऊपर जो कीमतों का निर्धारण है वो तो जो पेट्रोलियम की एजेंसी है वो करती हैं। अभी कल ही भारतीय सरकार की वित्त मंत्री लखनऊ में थी, आपने खुद छपाया है कि इस बात पे विचार किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की कोशिश की जाए ताकि वो 70-75 रुपये, आपने पढ़ा होगा शायद, पढ़ा इसको नहीं? हाँ पढ़ा। तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि जनता को राहत देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए विचार किया जाए। बेरोजगार की अभी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, बेरोजगार अभी क्या स्थिति चल रही है, बेरोजगार की जो पहले स्थिति थी वही आज भी है। बेरोजगारी की जो दर थी पहले 41%, वो 17% पे आ गई। हमने 3.5 लाख लड़कों को नौकरी दी और 4.5 लाख लड़कों को मुद्रा निर्वेशन के इनको रोजगार दिया। अभी 4.5 साल के आंकड़े हैं ये। नहीं जी, कहाँ है रोजगार? कहाँ? अरे आप ये देखिए, सपा सिलेंडर सपा के राज्य में नौकरियां बिकती थी, आप अटैची ले जाइए और प्रमाण को ले आइए। नहीं, आप सपा भाजपा की बात कर रहे हैं। सवाल पूछो हमें। जी जी जी, आप सब बात का उत्तर दे रहे हैं। 1 सेकंड, अभी आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं। 3.5 लाख रुपए नौजवानों को नौकरी दी हमने, 3.5 लाख। किस विभाग में? शिक्षा विभाग में, सिंचाई नहीं, सरकारी विभागों के आंकड़े आपको मिल जाएंगे, हमने दिए आपको लेके। और 4.5 लाख लोगों को मुद्रा लोन दे करके उनको बेरोजगार से रोजगार बनाया। एक मिनट, आपने तीन बार चुनाव लड़ा है, आपको कोई सफलता नहीं मिली है, क्या इस बार भी उम्मीद किया जाए आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम कोई प्रत्याशी, हम तो कार्यकर्ता है पार्टी के, हम कोई चुनाव, उनकी अटकी थी सो उनने लड़वाया, 2037 2,37,000 वोट हमने वो इकट्ठे किए। जी 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 जी,
उनकी अटकी थी साइकिल वालों की, तो उन्होंने प्रत्याशी बना के मोहरा बनाया, चुनाव नहीं लड़वाया, जी जी धंधा किया जी। फिर हमारे शरीर पे 68 घाव हैं, हमने वोट इकट्ठे जिनसे उनका सांसद जीता उतने वोट तो उसको भी नहीं मिले थे जितने हमें मिले थे। नानंद तिवारी की जमानत जब्त हो गई थी, हमने कभी ना उनसे टिकट मांगे, और इसमें तो अभी हम आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले आते ही हमें तिलक कर दिया। हमारी तो 40 साल उम्र है भारतीय जनता पार्टी में, तो उम्मीदवार हम कोई उम्मीदवार नहीं, ना हमारी कोई महत्वाकांक्षा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन